फीटस है और ये उसकी ब्रीच पोजीशन है। ब्रीच पोजीशन ब्रैकेट में लिख देंगे और वो क्यों है, क्योंकि इसका जो हेड है वो अपसाइड है, सर्विक्स की तरफ नहीं है। उसके बाद ये आ जाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये वाइट कलर की क्या है, एमनियोक्योरिनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। एमनियोक्योरिनिक मेम्ब्रेन अंदर कैविटी कौन सी होगी, एमनियोटिक कैविटी। ये प्लेसेंटा और ब्रैकेट में हम लिख देंगे वायलस कॉरियन, केला में लिखा हुआ था इस तरह। उसके बाद ये एंडोमेट्रियम, ये सारी जनरली एंडोमेट्रियम ही है लेकिन हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे प्लेसेंटा वाले साइड पे, हमें पता क्या होता है डेसिडुआ बेसालिस और फॉर्मिंग प्लेसेंटा, और यहाँ पर डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे एंडोमेट्रियम, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा डेसिडुआ कैप्सुलरिस और यहाँ पर आ जाएगा बेसालिस, और बाकी ये सारा क्या है मायोमेट्रियम, ठीक है। और बाहर वाली वाइट कलर की क्या होती है, पेरीमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद ये ओवरी, फिम्ब्री, फलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, सेम ये फंडस ऑफ यूट्रस, और ये सारा वही आ जाएगा यूट्राइन हॉर्न। और उसके बाद जब पॉइंटेड चीज नजर आ रही है वो क्या होता है हमारे पास, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, और ये लिगामेंट कौन सा है, ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पर बाकी ये वाइट कलर की क्या थी, पेरीमेट्रियम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये है सर्विक्स, ठीक है। उसके बाद ये सर्वाइकल केनाल, इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस ऑफ सर्विक्स, या एक्सटर्नल इंटरनल सर्वाइकल ओस, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास, बाकी यहाँ पर ये क्या होती है, सारी वेजाइनल वॉल, ठीक है। ये वेजाइनल वॉल है जो मस्कुलर हमें यहाँ भी नजर आती है इस तरह, ये सारी वेजाइनल वॉल ये। उसके बाद यहाँ पर ये अगर यहाँ इस तरह लगता है ना पिन, तो ये क्या है, सर्विक्स ही है, ठीक है। ये एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस है और यहाँ पर ये है सर्विक्स, और ये सर्विक्स, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो फर्स्ट सर्विक्स का यहाँ पे प्रोटी फॉल्ट बनता है ना, ट्रांसवर्स फॉल्ट, उसे हम कहते हैं जो फर्स्ट मेरा हाथ आता है शायद इसलिए, जो फर्स्ट ट्रांसवर्स फॉल्ट बनता है यहाँ पर उसे हम कहते हैं वजाइनल फॉर्निक्स, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पे सर्विक्स और वजाइना आके मिल रहे होते हैं, ठीक है। वजाइना की, सर्विक्स की वजाइना में प्रोटीन होती है, इसे हम कहते हैं वजाइनल फॉर्निक्स, और बाकी नीचे वाले जो ट्रांसवर्स फॉल्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं वजाइनल रूबी।